नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के थाना मलपरा क्षेत्र में अपहरण के बाद हत्या के मामले से सनसनी फैल गई है और देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में खुलासे की मांग को लेकर थाना मलपरा में परिजनों के साथ ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना मलपरा क्षेत्र के नगला हट्टी के रहने वाले सुशील नामक युवक का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद हत्या की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल बताया गया है कि परिवार के लोगों के मुताबिक चार दिन पहले 2 जून को सुशील नामक युवक अपने घर नगला हट्टी से मलपरा की कहकर निकला था। परिवार के लोग बताते हैं कि सुशील के मोबाइल पर किसी का फोन आया था और उसने कहा था कि वो मलपरा जा रहा है। काफ़ी देर होने के बाद परिवार के लोगों ने सुशील को तलाशा मगर कोई पता नहीं चल सका। बुधवार को सुशील के परिवार के मोबाइल पर एक युवक का फोन आया और उसने सुशील से अपहरण कर लिया गया है और पैसे का इंतजाम की बात कही। परिवार के लोगों ने अपहरण की घटना मलपरा पुलिस को बताई। आनंद फानंद में मलपरा पुलिस ने कार्रवाई तेज की गई और कई युवकों को इस मामले में और एक युवती से पूछताछ के लिए उठाया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सुशील नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है मगर पुलिस आरोपियों से पूछताछ के दौरान शव बरामद करने का प्रयास कर रही है। परिवार के लोग बताते हैं कि अपहरण के बाद सुशील की हत्या की घटना से गांव की एक युवती और उसके संपर्क में कई युवक हैं जो इस पूरी घटना में शामिल हैं, परंतु अभी तक शव न मिलने से सभी लोग देखिए किस प्रकार खुलासे की मांग कर रहे हैं। घटना के खुलासे के लिए मलपरा पुलिस कई टीमें लगी हैं। ACP अचनेरा पूनम सरोई और DCP पश्चिम जोन सोनम कुमार पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं घटना के खुलासे के लिए आगरा के अलावा अन्य राज्यों से भी पुलिस टीम दबिश दे रही हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही शव को बरामद कर लिया जाएगा। वहीं आप तस्वीरों में देख रहे हैं देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में ग्रामीण थाना मलपरा पर पहुंच गए हैं और खुलासे की मांग कर रहे हैं, परंतु पुलिस अभी तक युवक के शव को बरामद नहीं कर सकी है। तो जानिए परिजनों से क्या कुछ है पूरा मामला, किस प्रकार युवक का अपहरण हुआ था। हुई आपके भाई के साथ क्या? मेरे भाई की हत्या हुई है और इसमें इन्वॉल्व है राहुल जोशी, जिसने अपने फोन करके घर पे बुलाया है सुशील को और वहाँ पर 7-8 लड़कों ने इसकी मारछेड़ की है और उसके बाद हत्या की है इसकी, और उसके बाद इसकी अभी तक हमारे बॉडी नहीं मिल रही, जबकि क्लियर हो गया राहुल जोशी और वो अभी दोनों गिरफ्तारी में, और बाकी के अज्ञात जो लोग हैं इसमें राजू चाहर बताया जा रहा है, 2 राजू हैं और भी देविंदर है और भी नाम सर्च कर रहे हैं, इसमें 8 लोग हैं। किधर देखो, पुलिस वाले सर्च कर रहे हैं अभी तक, लेकिन हमें क्लियर हो गया है 2 दिन से, कल शाम से हुआ है कि हत्या हो गई है, अभी तक बॉडी नहीं मिल पा रही। बाइक भी नहीं मिली हमारी पुलिस को सूचना दी आप? हाँ, पुलिस को सूचना दी हमने, उसी दिन लापता हुआ था 2 तारीख को, उसी दिन सूचना दी थी, लेकिन तब उसे गुमसुदी बनाया जा रहा कि ऐसे ही मतलब गुमसुदी में अज्ञात में पता नहीं। फिर हमें उस दिन सूचना मिली थी देवेंद्र के जरिए, जिसने हमें बताया कि आपके भाई सुशील के साथ वहाँ पर मारछेड़ हो रही है, राहुल जोशी ने घर पर बुलाया उसे। तो इस बात पे हमने तत्पर में आके थाने में तहरीर दी, तो उसके बाद हमें 4 तारीख को रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभी अभी पुलिस क्या कह रही है, कुछ पता चला कुछ? पुलिस हमसे यही बोलती है कि हम कार्रवाई में लग रहे हैं, जल्द से जल्द ये चैन पकड़ी जाएगी, इसमें 7-8 आदमी इन्वॉल्व हैं इसकी हत्या करने में, और अभी तक हमें कोई सुराग लग चुका लगा है कहीं, क्या पता चला कुछ? हाँ, सुराग लग चुका है, लड़की ने सबूत है, नौकरी करती है, जो लड़की पूरा खोल दिया है। ठीक है, घटना हुई है, वो बच्चा घर पे आया, उसकी चिड़िया फोन गया था उसका लड़का, उसका राहुल का, तो वो लड़की भी आधा घंटे लगी, उसके बाद है उसने फोन किया बुलाया और जिम्मे जी पहचान करा उन्होंने और मुझे रोड फोन कर रहा है ना हुआ उसके बाद, तो वो घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला है 10 बजे, उसके बाद से वो घर से निकलने लगा। क्या दिन हो गए सबकी घटना? ये 2 तारीख की घटना है, विरोधी मांगी गई थी। हाँ, कोई फोन आया था, हमने उससे बात की थी, लेकिन कोई बात उसको बता भाई, कोई तरह कोई लेन देन करे कोई बात है तो हमें पता, हम देंगे पैसे, उन्हें ऐसा ऐसे कोई चक्कर नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूँगा अंकल जी, आपके साथ ये वो है मेरा दोस्त था, इस तरह से नहीं। अच्छा, पहचान करता पहले? हाँ, पहचान करता पहले। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको?
क्या हुआ? मर्डर हुआ सर। अच्छा, मर्डर हुआ है वो तो उसके घर में हुआ है। एक लड़की जो सफाई करती है घर में, वो बल्लारी धारी थी, हम बता रही हूँ ये सब इस तरह से। और मेरे चार लोग थे, नाम बोल दो ना, नाम बोल दो। दो लोग वाले आए। क्या क्या नाम थे? क्या क्या नाम थे? एक तो राहुल जोशी, जोशी था, और एक तो देवेंद्र, देवेंद्र हाँ एक देवेंद्र, और देवेंद्र राहुल जोशी का चाचा का, एक रोहित का चाचा है। तब पहले से कोई रंजिश चल रही थी? नहीं तो कोई जोशी। अच्छा, तो अपहरण नहीं हुआ? हत्या हो गया? अपहरण हुआ पहले तो, उसका अपहरण के बाद से मर गया गया। अच्छा, लड़का बताओ ठीक है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबीएन।